फ्रेंड्स, RHEL6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीखेंगे शॉर्ट कमांड का यूज। शॉर्ट कमांड का यूज किसी टेक्स्ट फाइल के कंटेंट्स को लाइन बाय लाइन शॉर्ट करने के लिए किया जाता है। शॉर्ट लिनक्स एक प्रोग्राम है जो इनपुट के टेक्स्ट फाइल्स और कंटेंट के सभी फाइल्स की लाइंस को शॉर्ट करके हमें आउटपुट में डिस्प्ले करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शॉर्ट कमांड एक्चुअली में किसी फाइल के कंटेंट को शॉर्ट नहीं करता है, वो केवल आउटपुट को शॉर्ट करता है जब तक आप उस फाइल के आउटपुट को आप रिडायरेक्ट नहीं करते। जब भी आपको किसी फाइल के कंटेंट को शॉर्ट करना है तब वो कंपल्सरी उस फाइल के आउटपुट को रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो फाइल का कंटेंट शॉर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज ये केवल आउटपुट को ही शॉर्ट करेगा। तो शॉर्ट कमांड का जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना शॉर्ट, उसके बाद वो ऑप्शंस जो आप यूज करना चाहते हैं, उसके बाद उस फाइल का नेम लिखना है जिसके कंटेंट को आपको शॉर्ट करना है, उसके बाद शॉर्ट कमांड के कुछ ऑप्शंस इस प्रकार हैं: हाइपन आर रिवर्स शॉर्टिंग के लिए, हाइपन एन सोर्स न्यूमेरिकली के लिए, और हाइपन एफ कैश इनसेंसिटिव शॉर्टिंग के लिए, हाइपन सी टू चेक डेट वेदर ए टेक्स्ट फाइल इज शॉर्टेड और नॉट। यदि आपको चेक करना है कि जो टेक्स्ट फाइल है वो उसका जो कंटेंट है वो शॉर्टेड है या नहीं, तो उसके लिए आपको हाइपन सी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। हाइपन यू टू रिमूव द डुप्लीकेट लाइंस फ्रॉम शॉर्टेड आउटपुट, यानी आपको जो शॉर्टेड आउटपुट आया है उसमें से जो डुप्लीकेट लाइन है वो आपको रिमूव करनी है, तो उसके लिए हाइपन यू ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा। टू शॉर्ट ऑन ए कॉलम और वर्ड पोजिशन इन लाइन ऑफ टेक्स्ट फाइल, यदि आपको कॉलम और वर्ड पोजिशन बेस पे इस लाइन के टेक्स्ट किसी टेक्स्ट की लाइन को शॉर्ट करना है तो हाइपन के ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक डेमो फाइल क्रिएट कर रखा है, तो सबसे पहले उस डेमो फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं। गेट शॉर्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, ये हमारी डेमो फाइल है, तो ये उसका कंटेंट है। अभी ये कंटेंट शॉर्टेड नहीं है, देखिए एपन फिर इट लिखा हो, इट और फिर कैरेट, तो ई बाद में आना चाहिए। तो अभी हमें इसके आउटपुट को शॉर्ट करना है, तो इसके लिए जो कमांड लिखा जाएगा वो इस प्रकार लिखा जाएगा, शॉर्ट, और अभी हम कोई ऑप्शन यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम उसका आउटपुट को शॉर्ट कर रहे हैं। तो फिर उस फाइल का नेम आपको लिखना है। अब ये क्या करेगा, उस फाइल का जो आउटपुट आएगा उसे अल्फाबेट ऑर्डर में शॉर्ट करेगा। तो देखिए इस फाइल का आउटपुट यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है, ये पहले एप्पल लिखा हुआ था फिर ईट, ये आउटपुट था उस फाइल का, अब इस फाइल के आउटपुट को इसने शॉर्ट किया है, एप्पल फिर बनाना फिर बनाना फिर कैरेट कोकोनट कोकोनट टू कस्टर्ड एप्पल टू और ईट। तो इस प्रकार ये अल्फाबेट ऑर्डर में शॉर्ट करके ये आपको डिस्प्ले करेगा। वापिस हम फाइल का कंटेंट चेक करते हैं, तो देखिये कंटेंट अभी भी वही है, ये शॉर्टेड नहीं हुआ है। यदि आपको फाइल का कंटेंट शॉर्ट करना है तो उसके लिए आपको उस फाइल का आउटपुट आपको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किसी फाइल के कंटेंट को शॉर्ट करते हैं। तो शॉर्ट कमांड आपको यूज करना है इसके लिए, फिर शॉर्ट उस फाइल का नेम लिखना है जिसका कंटेंट आपको शॉर्ट करना है, उसके बाद रिडायरेक्शन सिंबल आपको यूज करना है, और उसके बाद उस फाइल का नेम लिखना है जिस फाइल में आप ये कंटेंट रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं अभी लिख रहा हूं y.txt। अब उस फाइल का कंटेंट चेक कर लीजिए, तो देखिए इस बार जो कंटेंट है उस फाइल का वो शॉर्ट हो चुका है। तो इस प्रकार आप किसी फाइल के कंटेंट को शॉर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।